आज हम सबके लिए ये बड़े सौभाग्य का विषय रहा कि प्रियंका जी के हाथों आपका मेडिकल कॉलेज आज समर्पित हो रहा है। नया भवन 331.71 करोड़ का आज उसका भूमि पूजन हुआ, इसकी राशि, इसका टेंडर भी हो गया है और प्रथम किस्त के रूप में, एडवांस के रूप में 80 करोड़ से ज्यादा रुपए स्वीकृत भी हो गए हैं। इसके साथ दो और मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए थे छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश जी ने, और तीनों कॉलेज मिला के 966.36 करोड़ रुपए की राशि। उतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ की सरकार ने भूपेश बघेल जी की अगुवाई में आपको चार और नए मेडिकल कॉलेज दिए, जिसमें एक बस्तर अंचल में गीदम में उन्होंने स्वीकृत किया है और इसके अतिरिक्त तीन और मेडिकल कॉलेज, जहां 6 मेडिकल कॉलेज से छत्तीसगढ़ की सरकार ने जब आपने मौका दिया काम चालू किया, आज 14 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की स्थिति में आपकी सरकार है। इसके साथ ही कुछ प्रमुख काम जो इस सरकार ने भूपेश भाई की अगुवाई में किए हैं, स्वास्थ्य सहायता योजना 25 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था मैं नहीं समझता कि देश के किसी प्रांत में है। 25 लाख रुपए तक का इलाज आज देश प्रदेश के हर नागरिक का मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति से किया जा सकता है। स्वास्थ्य न्याय योजना, स्वास्थ्य के अधिकार की ओर हम बढ़ रहे हैं, पूरा प्रकरण मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और आने वाले समय में अगर इसमें बात आगे बढ़ेगी आपको उसकी भी जानकारी मिलेगी। जहां तक मानव संसाधन को बढ़ाने की बात है, जो पिछले 18 साल में नहीं हुआ वो भूपेश भाई की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग ने 5 सालों में किया। 111 मेडिकल डॉक्टर, 464 और नए मेडिकल स्पेशलिस्ट, 156 नए डेंटिस्ट, पहले 66 थे, 3180 और नर्स, 3296 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो पहले कुल 66 थे। इसी प्रकार आप अगर देखेंगे तो गुणवत्ता के मामले में छत्तीसगढ़ में जब सरकार बनी उसके पहले एक भी अस्पताल, एनक्यूएएस कहते हैं, राष्ट्रीय गुणवत्ता का एक मानक है, एक भी अस्पताल छत्तीसगढ़ में उस मानक के अनुसार नहीं था। आज 100 से अधिक हैं। जिन लोगों की जांच ओपीडी के माध्यम से होती है, पहले 2 करोड़ से कम, आज लगभग 3 करोड़ लोगों की जांच प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से की जा रही है। डायलिसिस की व्यवस्था केवल 3 केंद्र थे, आज 29 केंद्र छत्तीसगढ़ में संचालित हैं। कीमोथेरेपी, कैंसर है उसके बाद कीमोथेरेपी की व्यवस्था लगती है, एक भी केंद्र नहीं था। आज 19 जिलों में 1178 पेशेंट्स को इसका लाभ मिल रहा है। जो बच्चों के मृत्यु का दर है वो गिरा है, माताओं के मृत्यु का दर वो गिरा है, स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई है। बोलता जाऊंगा तो बहुत बातें आ जाएंगी, समय कम है। आप सबका सहयोग, आप सबका स्नेह, आप सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा इस विश्वास के साथ कि काम करने का आपने 5 साल मौका दिया, आगे 5 साल काम करने के मौके का हम अभी निवेदन करने आपके बीच में आएंगे। मौका मिलेगा तो इस सिलसिले को लगातार हम सब मिलके आगे ले जाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।